टेक्सचर्स। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों प्रकार के टेक्सचर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी व्हाई डू यू हैव टू नो अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्सचर्स। हम यहाँ पे प्रोसीजरल टेक्सचर की बात नहीं करेंगे अभी, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो आज हम जानेंगे कैसे आप कोई भी टेक्सचर एक सिंगल इमेज से क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे सिंपली दो मेथड होने वाले हैं, एक आप ब्लेंडर के अंदर खुद क्रिएट कर सकते हो या अपन फोटोशॉप के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ब्लेंडर ओपन कर लेंगे एंड एक न्यू प्लेन ऐड कर लेते हैं। एंड अभी मैं इस अपने व्यू पॉइंट को स्प्लिट कर लेता हूँ एंड सीधा मैं शेडर एडिटर में आ जाता हूँ। देन यहाँ पे अपन न्यू पे क्लिक करके अपन टेक्सचर ओपन कर लेंगे। देन प्रिंसिपल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी क्लिक करेंगे तो अपना इमेज टेक्सचर ओपन हो जाएगा। देन आप कोई भी इमेज टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपना इमेज टेक्सचर ओपन हो गया है। तो और मैं यहाँ पे एक एरिया लाइट भी ऐड कर लेता हूँ। अब अपनी इमेज को एज अ टेक्सचर यूज़ करने के लिए या तो अपन सिंपली इसी इमेज को एज अ रफनेस मैप और नॉर्मल मैप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ईवी यूज़ कर रहे हो और आपके किसी सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो अपन सिंपली लाइट को सिलेक्ट करेंगे एंड स्पेक्युलर वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अपना रिफ्लेक्शन गायब हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस कुछ ऐसा आया है। अगर कभी आपकी इमेज का टेक्सचर एज ए रफनेस मैप और नॉर्मल मैप में वर्क नहीं कर रहा है तो अपन सिंपली यहाँ पे सेपरेट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अपनी कोई भी इमेज तीन चैनल से बनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो सिंपली ये नोड इन चैनल को सेपरेट करने का वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी इमेज में तीन चैनल हैं। अपन यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट वाला जो चैनल है उसे अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपना सिंपल एक नॉर्मल टेक्सचर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे किसी भी इमेज को ऐड करके अपन टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस यूज़ करके दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना सिंपल मेथड वर्क कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फोटोशॉप में भी अपन टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपनी वही वुड वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ। फिल्टर पे जाके 3D पे क्लिक करके अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास जनरेट हाइट मैप एंड जनरेट नॉर्मल मैप आ रहा है। तो अपन यहाँ पे दोनों क्रिएट कर लेंगे। आप अपने इमेज के हिसाब से इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो सिंपली मैं फटाफट इन वैल्यूज़ को चेंज करके अपने लिए नॉर्मल मैप जनरेट कर लेता हूँ। तो अपना नॉर्मल मैप जनरेट हो गया है एंड इसको सिंपली मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपना एक हाइट मैप भी जनरेट कर लेता हूँ एंड दोबारा से मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ एंड फटाफट इमेज टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। इमेज टेक्सचर को क्लिक करके अपन इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। देन मैं अपना हाइट मैप भी ओपन कर लेता हूँ। इसको रफनेस पे कनेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने इमेज में रफनेस क्रिएट हो गई है। इसके बाद इसको भी डुप्लीकेट करके अपना नॉर्मल मैप भी ओपन कर लेंगे एंड इसको बम्प नोड से कनेक्ट करके अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी इमेज एज अ टेक्सचर के रूप में वर्क कर रही है। अगर आपको किसी प्लेन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली अपन प्लेन को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सब डिवाइड करने के बाद अपनी जो हाइट मैप था उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हो कि अपना डिस्प्लेसमेंट भी वर्क कर रहा है। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी। कीप लर्निंग। कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।